हेलो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस। आफ्टर द सक्सेस इन कर्नाटक वार्स, द ब्रिटिश इमर्ज्ड एज लीडर्स इन ट्रेड एंड बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर प्रोवाइडेड पॉलिटिकल पावर टू द ब्रिटिश कंपनी। बट वॉट वर द कॉजेज विच इन अ शॉर्ट स्पैन मेड ब्रिटिश द फैट मेकर्स ऑफ इंडिया? British company not only removed French, Portuguese and Dutch from the contention of trades but also paved way to secure political reign of India in their hands. After success in the Battle of Plassey and Buxar, they made the Nawabs of Bengal, Bihar, Odisha and Awadh and Mughal Emperor Shah Alam virtual prisoners. The social and political condition of the India were also instrumental in the success of the British company. A phase of political disintegration began in India after the death of Aurangzeb. Many small states with lesser military powers were established in India. The rulers of these states were haughty and indulged in luxury. They lacked sense of national spirit. Their forces were weak, misguided and indisciplined. The prominent armed force of India, Afghans, Sikhs, Rohillas, Jats, Rajputs and other were against each other. The Mughal emperor were powerless, lacking wealth, weak and resourceless. British company encased these weakness to pave way for its success. British company took full advantages of internal rivalries and political apathy of the Indian kings and nawabs. They helped one state financially and militarily to weaken others and later on established supremacy on both. The policy of divide and rule proved to be a boon for the British company. The reason of success of British army was their light and small arms and trained forces. The English also had cannons which helped a lot in their success. The political anarchy, disintegration and weak center were few causes in India in the 18th century that made British company to capitalize on. Much was expected from the Marathas in uncertain political scenario, but they failed to fulfill expectations due to their internal hostilities. The causes of success of British was not their ability only, but it was due to political weakness of Indian rulers. So students, जब कर्नाटक के वार्स में जब अंग्रेजों को सफलता मिल गई तो उनको ट्रेडर्स के रूप में और उनको पॉलिटिकल रूप से उनको पूरा अधिकार उनको मिल गया था, और जो ब्रिटिश कंपनी थी वो भारत के ऊपर वो कंट्रोल बना चुकी थी। ब्रिटिश कंपनी ने सिर्फ फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच कंपनी को ही नहीं अपने रास्ते से हटाया, बल्कि भारत की पॉलिटिकल पावर जो थी उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने जब प्लासी और बक्सर के वार्स में जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल, यहाँ सबके सम्राट जो थे उनको भी अपने आश्रय में ले लिया। ब्रिटिश कंपनी जो थी वो भारत में पॉलिटिकल और सोशल दोनों ही तरीके से भारत की स्थिति में अपने आप को मजबूत कर चुकी थी। औरंगजेब, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसका जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे से राज्यों में बट गया, जिनकी सैनिक जो पावर थी वो बहुत कम थी। इसके साथ साथ वो सब प्राउडी भी थे इसके, और उनके जो आर्मी थी वो इनडिसिप्लिन थी, और वो और जो भारत की और जो सिख थे, रुहेले, जाट, राजपूत एक्सेट्रा, बहुत सारी जो शक्तियां थी, बहुत सारे लोग थे जो वो आपस में ही एक दूसरे का विरोध करते रहते थे। तो इस वजह से जो जो मुगल सम्राट था वो शक्तिहीन थे, उनके पास पावर नहीं थी, बहुत कम थी, और अंग्रेजों ने इन सब चीजों का फायदा उठाया। और वो क्या करते थे, जिसके पास कम पावर है उसे वो पॉलिटिकल हेल्प, उसे मिलिट्री हेल्प देते थे, और उसके बदले में उसे
धन की और दूसरी हेल्प लेकर के अपना जो व्यापार है टैक्स फ्री करके अपने व्यापार को पावरफुल बनाते जा रहे थे, और जो जिसकी हेल्प वो करते थे उसकी उसको, और साथ में फिर जो हेल्प करने के बाद जिसे हरा देते थे उसे, दोनों को ही वो धीरे धीरे कैप्चर कर लेते थे। इस तरह से उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की उन्होंने पॉलिसी अपनाई, और उसके कारण उन्हें भारत में विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद अंग्रेजों के पास एक अच्छा जो था वो एक बहुत बड़ा उनके पास कैनन्स भी था, मतलब तोप खाना था, जिसके कारण भी वो उनको विजय प्राप्त हो जाती थी। बहुत सारे जो चीजें थी, आपस के टकराव हैं और पॉलिटिकल जो डिस्टरबेंस है, लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें, आपस में छोटी छोटी बातों पर संघर्ष करते थे, ये सारी चीज़ें जो थी अंग्रेजों के फेवर में जा रही थी। और इस तरह से जो अंग्रेजों की जो विजय थी, अंग्रेजों का जो यहाँ पर कंट्रोल था, वो किस वजह से हुआ, वो उनकी योग्यता के कारण नहीं है। लास्ट हम यही बोल सकते हैं कि वो जो भारत में जो पॉलिटिकल वीकनेसेस थी उनके कारण जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे यहाँ पर राज कर पाए। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 1। बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज यू ऑल हैव टू पेस्ट द पिक्चर ऑफ द ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ इंडिया। यू हैव टू पेस्ट वन पिक्चर बिफोर स्टार्टिंग। व्हेन यू विल राइट द चैप्टर 1 इन योर नोटबुक, देन यू विल हैव टू राइट डाउन द title of the lesson like this: lesson 1, the advent and the expansion of British power in India. Before writing the difficult word meaning, you all have to paste a picture. When the British power in India, you search from the Google and paste a picture, images of British power in India. So you have to paste a one image in your fair copy, then write down the difficult word meaning. After difficult word meaning, you have to write down the exercises. So here, choose the correct option of the following: who signed the Treaty of Allahabad? So answer is Shujaud Daulah. Which of the following trading company did not come to India? So answer is American. Where was the Dutch factory in India? Pulicat. Where was Thomas Ross sent as envoy in 1615? Answer is India. Who was the French governor in India during first two Carnatic Wars? So answer is Dupleix. Fill in the blanks. The first European trader to come to India was the Portuguese. Blank was the European to come to India in 1498? The answer is Vasco da Gama. Fill in the blanks. Blank had control over Goa, Daman and Diu. The answer is Portuguese. Portuguese had control over Goa, Daman and Diu. East India Company was established in 31st December 1600. Blank was the Nawab of Bengal during the Battle of Plassey. Answer is Siraj ud Daulah. Blank and Hyderabad were brought under company control by the Wellesley Subsidiary Alliance. So answer is Mysore. Lord Dalhousie followed the policy of annexing. Blank company got success in Carnatic War. So answer is British. I will explain the very short answer type question in the next video.